कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण जहां पूरे देश की आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, वहीं रेडी फेरी धारकों पर भी लॉकडाउन की मार ज्यादा पड़ी है। दिन भर रेडी लगाकर अपना परिवार का पालन पोषण करने वाले रेडी फेरी धारकों का काम लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है, जिससे ये गरीब लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। इन रेडी फेरी धारकों की समस्याओं को लेकर रेडी फेरी वर्कर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद द्वारा रेडी फेरी धारकों से ली जाने वाली तहबजारी को लॉकडाउन समय की अवधि यानी कि मार्च से लेकर मई तक न वसूलने की मांग की है। इस अवसर पर रेडी फेरी वर्कर यूनियन के जिला प्रभारी सुरेश सरवाल ने इन रेडी फेरी धारकों को राहत फंड मुहैया करवाने तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम 8,050 रुपए प्रति माह वेतन देने की मांग भी की। आज मंडी जिला की रेडी फेरी वर्कर यूनियन जो संबंधित सीटू से है, उसने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि जो रेडी धारक हैं, जो फल विक्रेता के साथ साथ फूड का काम करते हैं, दूसरा सामान भी लगाते हैं, उनकी पिछले 1.5 महीने से जो है रेडी बंद है और उनको आर्थिक प्रॉब्लम जो है इस बीच में देखने के अंदर मिल रही है। हमारा इसके अंदर मानना यह है कि जो तहबजारी जो है हर महीने जो है नगर परिषद लेता है, कहीं 800 है, कहीं 1,000 है, कहीं 500 रुपए है, वो मार्च अप्रैल और मई महीने की जो है तहबजारी जो है कैंसिल की जाए, रद्द की जाए। और उसके साथ साथ जो ये लोग जो तहबजारी का काम करते हैं, इन लोगों को कुछ आर्थिक मदद दी जाए। जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है जो पेमेंट है, उसके अनुरूप जो है 2,250 रुपए जो बनता है, तो हम ये भी मांग करने यहाँ आए थे कि उनको भी आर्थिक मदद, क्योंकि ये बहुत गरीब तबका है और ये गरीब तबका पिछले कई महीनों से इनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। इसके कारण अभी आने वाले समय में इस लॉकडाउन के कारण और दिन भी नहीं चलेगी, तो इसीलिए हमारी यही मांग थी कि आज इन लोगों को जो है आर्थिक तौर पर मदद की जाए और इनका जो तहबजारी है वो कैंसिल की जाए मार्च अप्रैल और मई महीने की। इसी मांग को लेकर जो है आज हम डीसी साहब से मिले थे रेडी फेरी वर्कर यूनियन। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आने वाले टाइम में इसको करेंगे और ये जायज मांग है। और ये क्योंकि मजदूर बहुत गरीब तबका है, अभी जो ठेला लगाते थे, जो दूसरे विक्रेता करते थे, फल और सब्जियां तो बिक रही है पर अभी उस तादाद पे नहीं है, इनको जो है राहत देने की कोशिश की जाएगी।